हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। आज जहां से मैं रीडिंग कर रही हूं फ्रेंड्स, यहां मेरे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन आज ये मैसेज देना मेरे लिए ज़रूरी था और इसलिए मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ। तो जिसको ये सुनना है, जिसके लिए भी ये मैसेज है, वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। ये टाइमलेस रीडिंग होगी फ्रेंड्स, और अगर आपके सामने ये मैसेज आया है तो ये आप ही के लिए होगा। और देखते हैं, मैंने सभी कार्ड्स के साथ क्लैरिफायर्स निकाला है और मैं आप तक ये मैसेज आज पहुँचाने वाली हूँ, जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत इंट्यूटिवली फील हुआ था फ्रेंड्स कि जैसे अब तक भी काफ़ी लोग अवेयर नहीं हैं, काफ़ी लोग अभी भी इस गलत फहमी में हैं कि वो चालाकी से, वो चतुराई से, अपनी इंटेलिजेंस से हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो एक तरह का वो भ्रम जो है लोगों का टूटने वाला है। आप अगर कार्ड्स भी देखें तो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग, तो जो भी जो भी आप कर्मा कर रहे हैं, जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आपकी मंशा है आपके काम करने के पीछे, आपके बोलने के पीछे, वो आपके सामने बहुत जल्दी आएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको समझ आ जाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो ये क्लैरिटी आपको डिवाइन जो हैं, बाबा, अगर आप डिवाइन को किसी भी नाम से पुकारते हैं तो उन्हीं का मैसेज ये समझिएगा कि आपको ये क्लैरिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। और जिन्होंने भी ट्रस्ट किया है, जो भी डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हैं और पेशेंस बना के रखे हैं, अपने पथ पर से हटे नहीं हैं, जो भी सही रास्ते पर अब तक चल रहे हैं और विश्वास के साथ चल रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ मैजिक होने वाला है फ्रेंड्स। कुछ नया क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। आप अपनी भक्ति से, आप अपनी श्रद्धा से कुछ नया जन्म देने वाले हैं, कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। और ये न्यू एनर्जी जो है आपके लिए कुछ न्यू चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाली है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो है, जो विश्वास आपने अब तक रखा है उसे पकड़ कर ही रखें। चीज़ों को फोर्स मत करें, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, किसी भी चीज़ को फोर्स ना करें। बस अपने हार्ट को खोलें और अपने आप को अलाइन करें, अपनी कॉलिंग के साथ अपने आप को अलाइन करना है यहाँ पर। तो अपनी जैसे सोल की जो कॉलिंग है उसके साथ अपने माइंड एंड बॉडी को अलाइन करें और बिल्कुल जाने दें, जो कुछ भी जा रहा है उसे जाने दें, जो काफ़ी टाइम से स्टक है उसे भी जाने दें। क्योंकि अगर आपको अभी तक वो चेंज नहीं दिखाई दिया है तो वो सडन चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप प्रिपेयर कर लीजिए उस चेंज के लिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए, कुछ छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, कुछ जाने देने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर लेट गो करिए, जो कुछ भी जा रहा है उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए और जो आ रहा है उसे भी फोर्स करने की कोशिश मत कीजिए, उसे पाने की जल्दबाजी मत कीजिए। जो आपका है वो आप तक पहुँच जाएगा और ये बिल्कुल एक स्पार्क की तरह सडनली ये मैजिक होगा आपकी ज़िंदगी में। वाव, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है फ्रेंड्स। कुछ दिनों से मैं एक सॉन्ग जो है, सॉन्ग तो नहीं कहूँगी, उसे प्रेयर कहूँगी, वो मेरे सामने बहुत आ रहा था और किसी ने मुझे वो सॉन्ग, वो प्रेयर सुनाई और वो बस मेरे दिल में बस गया था। तो कुछ उसी तरह का मैसेज आ जाया है। तो जैसे हम कुछ भी सुनते हैं और कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ रेजोनेट करती है, हमारे दिल को छू जाती है, तो वो हमारी ज़िंदगी में कुछ मायने रखती है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त, आपने जैसे सारे एक्सपीरियंसेस को जी लिया है फ्रेंड्स, ठीक है, आपने हर तरह के रिलेशनशिप को जी लिया है, आपने, हो सकता है कि आपने जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को या कुछ ऐसी चीज़ों को, जो आप एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं या बहुत सारे सेटबैक्स हो सकते हैं,
तो आपने इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया है और अब सब कुछ एक्सपीरियंस करके बस आप सरेंडर कर चुके हैं। तो आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं इस वक्त, जैसे आप सारे सारे चक्र घूमने के बाद आप एक सरेंडर मोड में आ चुके हैं। और जो आपका सरेंडर है वही सब कुछ है इस वक्त, वही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ करके देख चुके हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं लाइफ में। और अगर अभी तक सरेंडर में नहीं आए हैं तो फ्रेंड्स सरेंडर में आ जाइए, क्योंकि ये वक्त आपका सरेंडर का है। पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दें अपनी जर्नी, अपनी यात्रा जो आप चारों दिशाओं में कंप्लीट कर चुके हैं। एक फुल सर्कल आप कंप्लीट कर चुके हैं और फिर भी खाली हाथ रह गए थे, तो अब ईश्वर पर भरोसा करने का वक्त आया है। तो इस वक्त जो है अपनी जर्नी को ईश्वर पर समर्पित कर दें। चारों दिशाओं से जो कुछ भी आपने बटोरा है, जो कुछ भी आपके अटैचमेंट्स रहे हैं, चीज़ों को आपने पकड़ कर रखा है, अपने आप को जैसे यूं कहें कि आपने इस जर्नी में जिन जिन चीज़ों से अटैचमेंट पाल ली है, वो सब को अब आपको एनालाइज करने का वक्त आ गया है। अब आपको ये सोचना होगा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ को मुझे छोड़ना है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो सालों से आपने पकड़ के रखी है और अब वक्त आ गया है उसे छोड़ने का। तो आप इसके साथ क्लैरिफायर कार्ड भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10 of Swords। तो ये आपको जब मेडेलियन का कार्ड आता है तो ये आपको यही बताता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने ट्रेडिशन से हो सकता है कई जन्मों से आपने उसे पकड़ कर रखा था, या आप सोच रहे थे कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और शायद आपकी ज़िंदगी उसके बिना नहीं चलेगी, तो कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ने का वक्त आया है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि कोई बहुत लंबे समय का एडिक्शन या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, अब उसे एनालाइज करने का वक्त आया है कि ये क्या आपके लिए ज़रूरी है। तो अपनी कॉलिंग को सुनते हुए आपको उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। और ये फाइनल मैसेज हमारा, जो कर्स, ये कर्स का जो कार्ड आया है, ये आपको रिमाइंड कर रहा है फ्रेंड्स। कई बार हम अपने लिमिटेशंस में होते हैं, जैसे कई बार हम अपने बीमारियों को अपने एंसेस्टर्स से लेकर आते हैं, अपनी लिमिटेशंस को हम जन्मों से जी रहे हैं और अपने एंसेस्टर्स के थ्रू लेकर आते हैं। और सिर्फ बीमारियां ही क्यों, हमारा माइंडसेट, हमारी थिंकिंग पैटर्न्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, ये सारे चले आ रहे हैं। तो इनमें से जो कुछ भी आपको बहुत लिमिटेड रखे हुए था, आपकी ग्रोथ में बाधा पड़ रहा था, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, एक तरह से अगर आप इस कार्ड को बहुत गौर से देखेंगे तो मुझे आज दिख रहा है जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे आपको समझ आएगा कि इस लेडी के फेस पर किसी ने, लेडी हो या यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक में नहीं बोलना चाहती, जो कोई भी है, ये इसके मुंह पर हाथ रख दिया, यानी आपको लिमिट कर दिया है। तो आपके जीन्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके खुद के थिंकिंग पैटर्न्स, जिस चीज़ ने आपको बांध रखा था, अब उसे रिलीज करने का वक्त है। सबको फॉरगिव कर दीजिए, हर एक इंसान आपके एंसेस्ट्रल ब्लड में जो कोई भी है। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग इस वक्त बहुत ज़रूरी होगी फ्रेंड्स आपके लिए, अपने पूर्वजों को माफ़ करना, उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, और ख़ास करके अपने माता पिता को, तो अपने पेरेंट्स को उनका आभार प्रकट करना, उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करना अपनी ज़िंदगी में, और हर एक ब्लेम जो आप उनके ऊपर देते आए हैं उसके लिए उन्हें माफ़ करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और आप इन सब से छूट रहे हैं, तो एक तरह से जो आपका मुंह बंधा हुआ था, आप उसके साथ देखिए क्लैरिफायर कार्ड हमारा द सन का कार्ड आया है। तो आप उन जन्मों के कर्सेस से, जन्मों के बंधनों से अब आप मुक्त हो रहे हैं। अपने कार्मिक जो कर्स या कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स,
आप बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं। और हमारा फाइनल मैसेज है सनशाइन, तो आप बिल्कुल सन एक शाइनिंग स्टार की तरह अब शाइन करेगी आपकी ज़िंदगी। आप अब बिल्कुल लाइट की तरफ मुड़ रहे हैं और हर एक डार्कनेस को अब पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जो भी बहुत ही डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो मेरे मैसेज को आज देख रहे हैं, तो ये मैसेज आपको बहुत बहुत क्लियरली ये बता रहा है, या डिवाइन आपको मेरे थ्रू बता रहे हैं आज। और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये रीडिंग करने का एक इंट्यूटिवली मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ, क्योंकि ये किसी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो सरेंडर किया हुआ है फ्रेंड्स, उसकी वजह से जो भी आपके कार्मिक पैटर्न्स थे, जो भी आपका कर्मा था, वो आप उससे मुक्त हो रहे हैं और आप सनशाइन की तरफ जा रहे हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है और ये हर एक के लिए नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो यही आया था कि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग, आपके कर्मा क्या कहते हैं। अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि आपके कर्म अच्छे हैं या नहीं हैं, आप इस कंफ्यूजन में हैं, तो बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो बहुत बहुत ब्लेस सोल्स हैं जो इस रीडिंग को आज देख रहे हैं, और अगर आपने श्रद्धा और सबूरी को पकड़ कर रखा है तो इस सनशाइन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मोर मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।